नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए बाटी चोखा बनाने की नई तरीके की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं। बाटी बनाने के लिए जो भी सामान की आवश्यकता है वो ये है: काला नमक, काली मिर्च, अमचूर, हींग, गरम मसाला, इच्छानुसार मिर्चा, और इसमें धनिया, लहसुन, कटी मिर्च, लहसुन का साग, अदरक, कटा हुआ प्याज और धनिया, ये हम पहले ही काट लिए हैं। इसको चोखा में भी डाल देंगे और मुखनी दोनों में यूज होगा। और ये हमारा सत्तू है। चलिए अब बनाते हैं। ये बैगन, ये टमाटर है जो चोखा के काम आएगा। बैगन को चलिए इसको छील काट के फिर इसको छील लेते हैं। पहले ऐसे काट, अक्सर लोग शनिवार और मंगलवार को, रविवार को बैगन नहीं, वैसे तो इसे भून के ही बनाया जाता है, लेकिन लोग शनिवार मंगलवार को इसे नहीं भूजते। लेकिन ये हम ऐसे छील के आप कोई भी वार को बना सकती हैं। खासकर यदि इसमें ये भी फायदा होता है कि यदि कीड़ा ईड़ा हो तो पूरा बैगन बिका जाता है, लेकिन इसमें है कि कीड़ा हो तो आप बैगन निकाल के उतना ही काट के फेंक देंगी और बाकी यूज में ले लेंगी। बैगन मेरा पहले से ही धोया हुआ था। टमाटर काट लेते हैं। इसी में बैगन धोया हुआ था, सब्जी धोया हुआ है। सरसों का तेल थोड़ा सा डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच के लगभग। कटा हुआ ये दोनों एक साथ ही पकाना है, इसलिए मैं इसे एक साथ ही काट लिया। थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी मिर्चा, आधी कटोरी पानी, नमक, मिर्चा, पानी, लहसुन डाल के इसे 2-3 मिनट के लिए इसे लगभग ढक दीजिए। बीच में खोल के एक बार देख लीजिएगा मध्यम आंच से। तो चलिए मुखनी में भरने का सामान तैयार कर ले। सत्तू है, इसमें अमचूर डाल लें, काली मिर्च, मसाला, गरम मसाला, आप चाहे तो सूख मसाला या सांबर मसाला भी डाल सकती हैं, काला नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार, और हींग। थोड़ा सा इसमें प्याज डाल दीजिए, कटी लहसुन, हरा मिर्चा, लहसुन का साग, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल। तो अच्छे से मिला के इसमें दो चम्मच पानी डाल दीजिए, थोड़ा, और धनिया मिला। ऐसे गोला बना के जितना भी है भरने के लिए छोटी छोटी
आसानी के लिए बना लीजिए। लोई मैंने तैयार कर लिया है, अब चलिए इसको देखते हैं चोखा को। देखिए चोखा मेरा बन चुका है। इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। अब अपना जितना भी मेरा ये सामान है चोखे में डाल देते हैं। लहसुन का साग, अदरक, मिर्चा, कटा हुआ मिर्चा, कटी हुई लहसुन और प्याज। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए। हर स्टेट में अलग अलग चोखा बनाया जाता है। आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरीके से बनाते हैं, आप जरूर बताइएगा हमको। थोड़ी सी नींबू जोड़ दीजिए। बस लीजिए, ये चोखा मेरा रिया निकाल दीजिए। तैयार हो गया। गैस को आप बंद कर दीजिए और ये इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको भी ढक दे रहे हैं, जब चोखा वो बन जाएगा बाटी तो निकाल लेंगे इसको। ये आटा है कवर के लिए, इसमें बेकिंग सोडा एक चुटकी, अजवाइन एक चुटकी या दो चुटकी डाल दीजिए। हींग इसमें जरूरी है। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए कवर में। नमक तो आप हर चीज में अपने टेस्ट के अनुसार ही डाल सकते हैं। ज्यादा मोयन डाल दीजिए इसमें। थोड़ा सा मोयन डाल दे रहे हैं। मोयन का मतलब एक चम्मच डेढ़ चम्मच डाल के इसको अच्छे से मिला लीजिए। फिर अपना सॉफ्ट आटा सान के 2-3 मिनट के लिए इसे रख दीजिए। आटा मेरा सना हो गया है। अब देखिए इसको छोटी छोटी लोई काट लीजिए। लोई मेरा बन गया है, इसको ऐसे कर लीजिए। इसमें इस तरीके से पहले कटोरी टाइप का बना लीजिए, दबा के उसको बस सरल तरीके से ऐसे कर दीजिए। देखिए बन गया गोला। दबाइए तो ऐसे ऐसे कर लीजिए। कटोरी, छोटी कटोरी बना लीजिए, उसी कटोरी में इसे ऐसे डाल के दबा दीजिए। लोई को कटोरी टाइप से कटोरी बना लीजिए, इसको उठाइए, इसको ऐसे डाल के इसको दबा दीजिए। फिर ऐसे इसके मुंह को बंद कर दीजिए, बंद करके हल्का सा ऐसे गोल कर दीजिए। कटोरी बना ली। बाटी मेरा ये तैयार हो गया है पूरा। अब हम चल रहे हैं इसको बनाने के लिए अप्पा मेकर में। इसको अप्पा मेकर में बनाएंगे। अब ये इसको गर्म करते हैं। दो मिनट होने देते फिर से काटते। ये गरम हुआ है, इसमें सब थोड़ा थोड़ा तेल डाल दें।
इसे डाल देते हैं। खोलते हैं, लाल हो गया है देखिए दोनों तरफ। तो अभी से एक एक करके पलट दीजिए, देखिए मेरा लिट्टी बाटी कैसा हो रहा है। ये दो मिनट में ही ये बन जाएगा, 3 मिनट में आपका अफवाह मेकर जो बनाएंगे। एक बार खोल दें, दोबारा फिर इसको ढक दीजिए, 2-3 मिनट में ये लिट्टी आपका तैयार हो जाएगा। अब इसे हम फिर से ये देख लीजिए ऐसा ही बना, अब एक बार और पलट देंगे, ये खस्ता तैयार। अब इसे एक बार फिर